नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। स्टैंड पार्किंग लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। टोटो चालक जिंदा। लगभग खत्म हो जाएगा, 25,000 लोग टोटो पे निर्भर है, 25,000 परिवार। तो ये बात जो है यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाए, यहाँ आपके माध्यम से सरकार तक जाए, किनारे करो, इससे कहीं करो। तो आप कह के जाए चालकों के बीच में मुझे पत्र जिलाधिकारी महोदय को संबोधित मैं किस्त है बैंक की, किस्त 8,000-8,500 रुपये और 3,000 रुपये बैटरी चार्जिंग का लगता है, तो सब जोड़ लेंगे तो भैया करीब करीब मेरा नाम प्रवीण काशी है, अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग DM कार्यालय पे, जिलाधिकारी कार्यालय पे अपना 9 सूत्री मांगों को लेकर के आए थे। हमारी मांग ये है कि यातायात विभाग की तरफ से एक गलत रूट बनाया जा रहा है, जिससे कि चालकों की कमाई खत्म हो जाएगी। पहले ही टोटो चालक अपनी बैंक की किस्त समय पे दे नहीं पा रहा, वो जो है कई बार चार्जिंग के पैसे नहीं होते हैं, ऊपर से आप 100 बस स्मार्ट सिटी के नाम पे जो 100 बस आ रही है उससे हमारे रोजगार लगभग ख़त्म हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि बसों को चलाया जाए पर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए चलाया जाए। इन सारी बातों के साथ टोटो चालक के साथ रोज़ पुलिस जो है उत्पीड़न करती है, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बनारस की जो पुलिस है वो हमारे ब्रेक को तोड़ देती है, हमारे क्लच को तोड़ देती है, हमारे गाड़ी को पंचर कर देते हैं। ये लोग रोज जो है कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करते हैं, गलत चलान करते हैं। चलान एक होता है कि भाई कहीं आप गलत जगह खड़े हो तो चलान किया जाए, आपने स्टैंड पार्किंग नहीं बनाया फिर भी हमारा चलान काटते हो। हम लोग मारते बहुत हैं, गाली देते हैं, हर तरह का उत्पीड़न पुलिस की तरफ से होता है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं 2 लाख की तो 18% टैक्स देते हैं, 36,000 रुपये सरकार को देते हैं, 2400 रुपया रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद नगर निगम को रोज 10 रुपया देते हैं। इस तरह से हम लोग करीब 9 करोड़ रुपया नगर निगम को दे देते हैं। करोड़ों रुपए देने वाले चालक को जो है रोज सड़क पे पीटना, गाली देना, ये किस सरकार का काम है, किस पुलिस प्रशासन का काम है? और ये जो है तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके अलावा ज्ञापन किसने लिया? अभी जो है हमारे उप जिलाधिकारी ने हमारा ज्ञापन लिया है और जो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात जो है ये ली जाएगी, गंभीरता से कही जाएगी। पर हम लोग कई बार ये ज्ञापन लेके आ चुके, कई बार जो है हमने इनकी कई दौर की हमारी बात हो चुकी, अभी तक ये जो है हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। गलत तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा और रोज़ जो है हम लोगों का उत्पीड़न होता है। हम लोग जो है बहुत मुश्किल से 10,000 रुपया महीने का कमा पाते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये कमाने के लिए रोज चालक को कम से कम 800 रुपया कमाना पड़ेगा। 800 रुपये कैसे, 300 रुपये तो बैंक की किस्त चली जाती है, क्योंकि 9,000 रुपये किस्त है तो 300 रुपये रोज की किस्त में जाएगी। 100 रुपया जो है उसकी जाती है किसमें, जो बैटरी चार्ज होती है, तो 400 रुपये तो गाड़ी के ऊपर रोज खर्चा हो गया, 120 रुपया हो गया। तो ये जो है 420 रुपये तो गाड़ी का हो गया, उसके अलावा 50-60 रुपये गाड़ी का चालक जो है वहाँ पे कुछ खाएगा पिएगा, तो 500 रुपये तो सड़क पे ही खर्च हो गया। अब 500 रुपये से 600-700-800 रुपये कमाने में उसका बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दर्द को सुने। 25,000 परिवार चलता है इससे, 25,000 चालक जो है टोटो से अपना काम कर रहे हैं। आप जो है हमारी समस्याओं का निदान करें, आप अगर हमारा निदान करेंगे तो हर परिवार की खुशहाली बच जाएगी, हर परिवार के बच्चे पल जाएंगे। इस बात को लेके आए थे।